मजे से सो रहे हैं। कालो हाथ थोड़े छोटे हैं इसके लिए। दिया मुझे एक फूल, बहुत प्यारा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है कल्पना। हाय बोलो। हेलो। ये है पूनम दीदी। पूनम दीदी हेलो हेलो। और हम हैं कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आज है सैटरडे और बहुत कम बच्चे आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास में सिर्फ दो बच्चे बैठे हैं। गाइस अब उप्पू भी आ गई है। उप्पू है बोलो। तो गाइस उप्पू आज थोड़ी ब्यूटीफुल बन के आई है, इसलिए वो भाव खा रही है। उप्पू भाव मत खाओ। हेलो बोलो। हाय। तो गाइस बाय बाय। मेरे ब्लॉग्स को गंदा बोल रही हैं ये। तो गाइस अभी मैं पी रही हूं पेप्सी। गाइस पेप्सी पी लो। गाइस अब उप्पू मैं जा रहे हैं कैंटीन, तो मिलते हैं कैंटीन में। बाय। ये हमारी असली शक्ल है क्योंकि इन देर से फिल्टर में बना रही थी। क्यों हम जा रहे हैं कैंटीन? यस। सो गाइस अब हम जा रहे हैं कैंटीन, तो चलते हैं। और उप्पू को क्योंकि बहुत भूख लग रही है। हाँ बहुत भूख लग रही है। सो गाइस इसलिए हम कैंटीन जा रहे हैं, तो चलते हैं और मिलते हैं कैंटीन में। बाय बाय। सो गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारा कॉलेज। हाँ दिखा। हेलो गाइस हमारे साथ कुत्तू है। मजे से सो रहा है। सो गाइस ये हमारे कॉलेज का कैंटीन, यहाँ पे हैं बच्चे ही बच्चे जो कि ठूस रहे हैं खाना। अंदर चेयर सारी खाली है। मैं खा लिया चंच। नो 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 गाइस ये सब हम सब यहाँ खड़े। तो हे गाइस अभी तक परांठा नहीं आया है। पूनम दीदी बहुत सैड हो चुकी हैं। मेरे को भूख लग रही है। वैसे मैंने खाए थे परांठे। मेरे को बहुत भूख लगी है। तो गाइस उप्पू भूख से मर रही है। पर इसका परांठा नहीं आया। आ चुका है उप्पू और पूनम दीदी का परांठा। आ चुके हैं कैंटीन से। हाय पूजू। क्या बताइए। सो गाइस हम आज हमारी वीडियो बना रही है ना तू? बोलने देगी मेरे को? हाय गाइस पुजू पुजू पुजू। अरे सो गाइस हम आ चुके हैं कैंटीन से। ओह माय गॉड यहाँ पे लोग मुझे गूगल रहे हैं। सो गाइस हम कैंटीन से आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम फिर से कॉलेज में। तो यहाँ पे मैं आपको एक अंकल से मिलवाती हूँ। सो गाइस ये हमारे कॉलेज के अंकल। अंकल जी कुछ चलो आप कुछ बोलें। ओ मजे है सबके मजे। पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो। ओके थैंक यू। हाँ जी हाँ जी सच। हाँ जी कॉलेज यहाँ पे बच्चे बच्चे। हाँ बीमार है ये, खाना नहीं खा रहा। मैंने दिया था इसको खाना पर इसने खाया नहीं था। बाय टाटा। सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं और क्या, और अब हम सिर्फ मेरी एक क्लास लगी आज अकाउंट्स की, और उसके बाद कोई टीचर नहीं आया था। तो हम जा रहे हैं अब घर को बहुत जल्दी। क्या टाइम हुआ है अभी? सिर्फ 12:28 हुए हैं और हम जा रहे हैं घर को। पता नहीं अब बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिल जाएगी 1 बजे। हाँ तो 1 बजे मिल जाएगी बस। एक दिन में उससे पहले पहल जा रही है खाने। उससे पहले मैं मोमोज खाने जाऊंगी क्योंकि आधा घंटा है बस के लिए, तो हम तब तक बोर हो जाएंगे और मेरे को भूख भी लग रही है। तो चलते हैं और मोमोज खाते हैं। उधर पेड़ है इतने प्यारे पिंक कलर के फूल। हम पहुँच गए नीचे रोड पे और अब हम जा रहे हैं मोमोज खाने क्योंकि हमारी बस 1 बजे आएगी और अभी आधा घंटा है बस आने को। तो इसलिए हम जा रहे हैं मोमोज खाने और मुझे बहुत भूख लग रही है। पर ये इसको कभी भूख नहीं लगती है, कुछ नहीं खाती है। और क्या और क्या कुछ बोलना चाहिए। ये मेरा व्लॉग बहुत बोरिंग बना रही है। चलो चलते हैं और खाते हैं मोमोज। हम आ चुके हैं मोमोज खाने पर। यहाँ पे बहुत लोग हैं तो मुझे अजीब लग रहा है व्लॉग बनाने में।
पास आ गए हैं। मोमोज खा के वापस आ गए हैं और हम जा रहे हैं वापस वापस खाना आ रहे हैं बस स्टैंड के पास। चला चला भाई। So guys, हमें बस मिल चुकी है और मम्मा और ये बस बहुत भयंकर है। So guys, अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कराड़ा और कराड़ा से हमें पैदल जाना पड़ेगा। बहुत उछल रही बस। हाँ guys, हम पहुंच चुके हैं कराड़ा और वो बस कराड़ा तक आनी थी इसलिए हम यहाँ पे उतर गए हैं और हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि आज बसेस नहीं चल रही हैं नीचे। और बसेस इसलिए क्यों नहीं, बसेस शादियाँ हैं तो शादियाँ और बसेस बुक हैं तो इसलिए हमें पैदल जाना पड़ रहा है और यहाँ से बहुत ही चलने को। ये देखिए राजपूत पहल भट्टी पैदल चलते हुए। दुल्हन का दहेज लेते जाते हुए दुल्हन का दहेज खतरनाक गाड़ी ऊपर बैठ धवान दवा। गाइस हम पहुंच चुके हैं कराड़ा के रोड के बीच में मतलब हम पहुंचने वाले नहीं वाले हैं क्योंकि हम अभी थोड़ा सा चले हैं इतना सा अभी हमने इतना चलना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा इतना भारी बैग है और मेरी एक कंधे में बहुत दर्द हो रही है मैं क्या करूं। पर्पल उछल के वो निकाल पैल की फेवरेट फूल मेरे को नहीं पता निकालो हाथ थोड़े छोटे हैं इसके लिए वाह मेरी प्यारी फ्रेंड कल्पना मेरे लिए फूल लेके आई है। तो गाइस कल्पना ने दिया है मुझे एक फूल बहुत प्यारा है यह पर्पल कलर का। तो अभी हम फिर से चल रहे हैं क्योंकि मैं चलना पड़ रहा है मैं बहुत दुखी हूँ गाइस दुखी आत्मा चलो अब फोटो खींच मेरी जल्दी से। हम पहुंच चुके हैं घर क्योंकि जैसे हम चल रहे थे तो हमें एक हमारे गांव की गाड़ी मिल गई थी तो फिर हम बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं घर। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें चलना नहीं पड़ा नहीं तो टांगों में दर्द हो जाती है। तो मैं तो पहुंच गई हूँ अपने घर पर इस लड़की को चलना पड़ेगा थोड़ा और पैदल पड़ेगा। तो कल्पना बाय 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 तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। बाय बाय।